तो साथियों, धान के खेती में हम एक एकड़ के लिए मात्र 2 किलोग्राम बीज ज़्यादा अंतर पर बुआई की और उसका प्रूनिंग किया, तो इसका परिणाम हमें 22 से 25 क्विंटल पैदावार एक एकड़ में मिला। ठीक उसी तरह गेहूं में भी हम एक एकड़ के लिए मात्र 1.5 किलोग्राम बीज ज़्यादा अंतर पर बुआई की और उसका प्रूनिंग किया, तो इसका परिणाम हमें 22 से 24 क्विंटल पैदावार एक एकड़ में मिला। साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं प्रूनिंग करने से और प्रूनिंग न करने से किस तरह यहाँ बदलाव हुए हैं। प्रूनिंग करने से ज़्यादा किल्ले निकले हैं और प्रूनिंग न करने से इधर कितने कम किल्ले निकले हैं। उड़द के फसल में भी हम एक एकड़ के लिए मात्र 600 ग्राम बीज ज़्यादा अंतर पर बुआई की और उसका प्रूनिंग किया, तो इसके परिणाम हमें 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ का पैदावार मिला। तो साथियों, यह भी आप देख सकते हैं कि प्रूनिंग करने से कितने किल्ले निकले हैं और कितना फैला हुआ है, वही प्रूनिंग न करने से उसका इतना फैलाव नहीं हुआ। चौली के फसल में भी हम एक एकड़ के लिए मात्र 400 ग्राम बीज ज़्यादा अंतर पर बुआई की और उसका प्रूनिंग किया, इसके परिणाम हमें 10 क्विंटल प्रति एकड़ का पैदावार यह मिला। चना में भी हम एक एकड़ के लिए मात्र 4 किलोग्राम बीज ज़्यादा अंतर पर बुआई की और इसका भी प्रूनिंग किया, इसके परिणाम हमें 14 से 15 क्विंटल का पैदावार एक एकड़ में मिला। साथियों, यहाँ देख सकते हैं वो फर्स्ट स्टेज में किस तरह था और प्रूनिंग करने से उसका कितना फैलाव हुआ। हल्दी के खेती में भी हम एक एकड़ के लिए मात्र 8 से 10 क्विंटल बीज का इस्तेमाल की, उन्हें ज़्यादा अंतर पर बुआई की और हमें 30 क्विंटल का पैदावार मिला। तो साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रूनिंग करने से हमें उसका जो कंद होता है वो एक कंद का वजन था 3 किलो 800 ग्राम का था, वही प्रूनिंग न किया हुआ जो हल्दी का कंद था उसका वजन मात्र 2 किलो 700 ग्राम का था। मूंगफली में भी हम प्रूनिंग करने से हमें यह परिणाम देखने को मिला कि जिस मूंगफली का प्रूनिंग किया था उसमें हमें 100 मूंगफली हमें प्राप्त हुई, वही जहां प्रूनिंग न किया था उसमें हमें मात्र 45 मूंगफली हमें मिला। सोयाबीन फसल में भी आप यहाँ देख सकते हैं प्रूनिंग करने से उसका कितने किल्ले निकले हैं और उसका जड़ का कितना अच्छी तरह विकसित हुआ है, वही नॉन प्रूनिंग का पौधे में इसका इतना किल्ले नहीं निकले और उसका जड़ का भी इतना विकसित नहीं हुआ। कपास के फसल ज़्यादातर सूखा खेती में उगाया जाता है।
एक जैविक खेती करने वाला किसान हमारे मार्गदर्शन में विकसित वान का कपास का बीज बोकर उसका प्रूनिंग किया था। ठीक उसके बगल वाला रासायनिक खेती करने वाला एक किसान बीटी कपास का बीज बुआई करके उसका कोई प्रूनिंग नहीं किया था। दुर्भाग्यपूर्ण से 1.5 महीने के बाद बारिश चली गई, लेकिन प्रूनिंग किया हुआ विकसित वान वाला कपास अंत तक हरा भरा रहा और उससे अच्छी पैदावार मिली। बल्कि बगल वाला जिसका प्रूनिंग न किया हुआ था वह बीटी कपास का फसल पूरा सूखा गया। इसकी कारण समझने के लिए जब हम एक विकसित वान का कपास का पौधा और बीटी कपास का पौधा उसके जड़ समेत उखाड़ ली और उसका अध्ययन किया तो हमें यह समझ आया कि विकसित वान का जो कपास था उसका जड़ तकरीबन 1.5 से 2 मीटर अंदर तक वो विकसित हुआ था और वहाँ के नमी को पकड़कर वो हरा भरा रहा था। वही बीटी कपास का जड़ कुछ अंतर तक ही सीमित रह गया था। इसके लिए उसे पानी का अभाव होने से वह सूखा गया था। साथियों, यह प्रूनिंग तकनीक केवल धान के फसलों में ही नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग हम फूलों में भी किए हैं। उसमें से गेंदे का फूल जो आप कहते हैं उसमें हम यह प्रूनिंग करने से कितना किले निकले और कितने हमें फूल का पैदावार मिला, वही प्रूनिंग न करने से उतना उसका हमें पैदावार नहीं मिला, यह आप यह देख सकते हैं। किसान साथियों, प्रूनिंग करने से जो किले निकलते हैं उनके लिए कुछ खाद का आवश्यक होता है, तो इसके लिए हम आयुर्वेदिक तरीके से बैक्टोफूड नाम का खाद बनाया हुआ है। इसमें आप प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हम आवश्यक सूक्ष्म जीवाणुओं का भी मिलावट किए हैं। यह खाद 1 एकड़ के लिए सिर्फ 10 केजी का एक बैग कौन सी भी 100 किलो खली के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।